जय बिहान सर। जय जय बिहान। जय जोहार। जय जोहार। मेरा नाम श्रीमती मीना मांझी है सर, और मैं ग्राम कोड़ेवड़ा से हूँ। मेरा ग्राम पंचायत का नाम कुंजाम टोला है, विकास खंड मोहला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैं आदिवासी क्षेत्र की हूँ, पिछड़ेपन नक्सली एरिया से जाना जाता है, उस एरिया से हूँ। और मैं तो मेरा सपना था मैं क्या, पढ़ाई क्या करूं। आपका शुभ नाम क्या? श्रीमती मीना मांझी सर। मीना जी, हाँ बताइए। हाँ, क्या करता है तो आपका समूह? क्या करता है? ईंट का निर्माण करता है सर। यानी ईंट बनाते हैं आप? हाँ सर। जरा पूरा वर्णन मुझे बताइए, क्या करते हैं? हम लोग बैंक से लोन लिए हैं सर, लोन लेके ईंट निर्माण का कार्यक्रम कर रहे हैं, और ईंट बेच के जो अनुदान आता है उसको अपने कृषि कार्य उन्नति के लिए सभी महिलाएं एक दूसरा ऋण के तौर से सहयोग करते हैं। कितने रुपये का काम करते हैं ईंटा बना करके, और कौन खरीदता है आपकी ईंटा? हमारे ईंट को ग्राम पंचायत खरीदती है सर। कितनी ईंट बनाते हैं आप? अभी तो हम लोग इस साल 1.5 लाख ईंट बनाए हैं सर, उसको 4.5 लाख ईंट बनाई जी सर। कितनी बहनों ने काम किया? 12 जने का एक हमारे समूह है सर, हमारे गांव में। तो हम लोग सब बाहर से बनवाने भी लाते हैं। तो कितनी कमाई होती है उसमें? हमारी मासिक 8 से 10 हजार प्रत्येक महिला को हो जाती है सर। तो ये ईंटा से वो टॉयलेट बनते होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में काम आता होगा, ऐसी ईंटा बनती है कि बड़ी सामान्य बनती है? हाँ हाँ सर, हाँ सर, मिट्टी का बनाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी हमारे गांव में 11 जने का प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, उनको हम बेचे हैं सर ईंट को। अच्छा, और कितना मुनाफा किया आपने? जी सर, उसमें 1.5 लाख बनाए हैं, उसमें बेचे अभी हमारे पास 50 से 60 हजार ईंट बाकी है, और 4.5 लाख रुपया के बेचे हैं सर। अच्छा। उसमें एक ईंट का रेट है 3 रुपया, तो 2 रुपये तो अपना खर्चा में चला जाता है, उसमें 1 रुपया अपना बचता है सर। यानी 30% प्रॉफिट है आपको? जी सर। देखिए, बड़े बड़े व्यापारी को भी 30% मुनाफा नहीं होता है। आपका 3 रुपये की लागत है और 1 रुपया बच जाता है, 2 रुपये की लागत है और 1 रुपया बच जाता है। यानी एक प्रकार से उसका कारण है कि सब काम आप खुद करते हैं। हाँ, और यही सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ताकत है ना, यही है। चलिए, मेरी तरफ से मांझी, मीना मांझी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मुझे अच्छा लगा ये सारी चीजें जान करके। देखिए कितना बदलाव आया है इन सभी के जीवन में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हमें यहां देखने को मिला है। रमन सरकार, हमर सरकार, रमन सरकार।